और ये तस्वीर देखिए, गोगा मेडी के घर के अंदर की ये तस्वीर है। ये दोनों बदमाश जिनकी साफ तस्वीर नजर आ रही है, ये दो लोग गोगा मेडी एक जगह नजर आ रहे हैं और एक और व्यक्ति जो उनका शायद गनमैन है, उन दोनों पर ये गोली बरसाते दिखाई दे रहे हैं। सच बेधड़क के पास सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, और इस तस्वीर में देखिए कि कैसे ये घर के ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं। ये दोनों बदमाश शायद पहले बातचीत करते हैं, एक नीला सोफा जिस पर गोगा मेडी बैठे हुए थे और शायद उनको संभलने का वक्त भी नहीं लगा मिला, और ये गोलियां बरसाना शुरू करते हैं। जब इनका गनमैन या ये व्यक्ति जो गोगा मेडी के साथ में मौजूद था वो बचाने का प्रयास भी करता है, लेकिन ये लोग उसको भी गोली मारते हैं और आखिर में उसको वहां से भागना पड़ता है। ये दोनों गनमैन पहले घर में घुसते हैं, जैसा कि पुलिस ने बताया, ड्राइंग रूम में पहले बैठ के ये बातें करते हैं। ये आपको चार सोफे नजर आ रहे हैं, एक पर गोगा मेडी बैठे हैं और एक पे उनका साथी बैठा हुआ है। ये दोनों आते हैं, ये दोनों बदमाश भी यहीं पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है, ये दोनों गोली मार देते हैं। ये ताबड़तोड़ गोलियां मारते हैं, ये गन इससे ये शूट करते हैं। शूट आउट एट जयपुर, शूट आउट एट गोगा मेडी हाउस, ये नजर आ रहा है आपको ये तस्वीर, जो इस तस्वीर के आधार पर पुलिस इन बदमाशों को ढूंढ रही है। अब से कुछ देर पहले जो कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कह रहे थे कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, अब वो सीसीटीवी फुटेज सच बेधड़क के पास में भी है, और सच बेधड़क आपको सबसे पहले ये वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें फरार हो जाते हैं। देखिए ये तस्वीर पॉज कर करके आपको हम दिखा रहे हैं। गोगा मेडी बैठे थे, ये दोनों बदमाश भी बैठे थे। जरा मैं कहूंगी टीम से कि एक बार पॉज करके, शुरुआत में एक पॉज देके दिखाएं दर्शकों को, एक एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएं जब गोगा मेडी बैठे थे, उसको जरा पॉज करें और वो दिखाएं कि वो फोन पर, गोगा मेडी फोन पर देख रहे होते हैं, और जब इन बदमाशों को लगता है कि उनका ध्यान हमारी, देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ गोगा मेडी बैठे थे और गोगा मेडी एकदम से ये दोनों उठते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब इनको लगता है कि ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तब ये दोनों गोली चलाते हैं, और साथ में जो सहयोगी बैठा होता है वो सहयोगी पहले तो उसको भी गोली मारते हैं, लेकिन वो कोशिश करता है कि गोगा मेडी को बचाया जाए। लेकिन जब उनको लगता है, ये दोनों बदमाश पहले जाने लगते हैं, और जब उनको लगता है कि उनका सहयोगी उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों बदमाश नहीं कोई भी गुंजाइश छोड़ना चाहते थे। एक ये बदमाश जो आपको व्हाइट स्वेट शर्ट में नजर आ रहा है, ये देखता है कि उनका सहयोगी, गोगा मेडी का सहयोगी उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, तब वो उसको फिर से गोली मारता है, और ऐसे में वो सहयोगी भागता है क्योंकि उसको लगता है कि उसको भी जान से मार दिया जाएगा। ये दोनों इस तरह की प्लानिंग करके आए थे कि किसी तरह भी गोगा मेडी बचे ना, उनको इस तरह से गोली मारी, उनके आसपास के लोगों को डराया भगाया कि कहीं से भी उनका कोई भी सहयोगी उनको बचाने का प्रयास नहीं कर पाए, और उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, सबसे पहले आपके पास सच बेधड़क ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा है, ये वीडियो जिसमें दोनों बदमाशों की तस्वीर क्लियर है। ये दोनों बदमाश कम से कम मान लीजिए 20 से 26 27 साल के होंगे, यानी यंग है, युवा है। एक बड़ा सवाल ये कि ये दोनों युवा आखिर किस तरह से हायर किए गए, इनके पीछे कौन है, कोई किसी ने इन्हें पहले से बोला था,
कोई मास्टरमाइंड इस पर प्लान कर रहा था या इनकी कोई गुंजाइश आपसी रंजिश थी? कौन है ये लोग, कौन ये दोनों है जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है? दूसरा सवाल, कैसे ये दोनों इस घर में घुसते हैं? क्या गोगा मेड़ी इनको पहले से जानते हैं जिस वजह से इनको ड्राइंग रूम में बैठाया, या फिर ये किसी मकसद से कोई अपनी समस्या लेके या किसी वजह से आए थे और पहले? क्या पहले से जानते थे और इसीलिए यहां पर बैठ के बातचीत हो रही थी? कौन है, क्या ये पहले से जान पहचान वाले थे या कोई, क्या पूरा मकसद जो 10 मिनट की बातचीत के बाद ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया जाता है? और अब सच बेधड़क, जिसने सबसे पहले ये फुटेज आपको दिखाया है, यही सवाल पुलिस से पूछ रहा है कि जब तस्वीर सामने है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो उस तस्वीर के बाद जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब ये गिरफ्तारी कब होगी, पुलिस से सवाल भी सच में धड़क कर रहा है। इसमें एक और अपडेट मैं आपको दे देती हूँ, रोहित गोदारा जिसने जिम्मेदारी ली है, और देखिए अब गैंग का लिंक निकल ही आया है। ये लिंक रोहित गोदारा से जुड़ गया है, रोहित गोदारा जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा वो गैंगस्टर जो इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है, ये वो गैंगस्टर जिस लेकिन आपको बता दें, हालांकि ये अपडेट हमारे पास आ रहा है, इसकी पुष्टि अभी सच बेधड़क नहीं कर रहा है। देखिए धीरे धीरे क्लू आना शुरू हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे सच बेधड़क जब पुष्टि हो जाएगी हर एक चीज की, आपको आपको पूरी खबर क्लियर बताएगा, उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा। रोहित गोदारा को लेकर भी आपको अपडेट देंगे कि ये क्या पुष्टि खबर की करते हैं, और सच बेधड़क ही आपको सबसे पहले पुष्टि भी इसको लेकर करेगा कि जिम्मेदारी ली है और लिंक कहां जुड़ते हैं। सुनील हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, सुनील अपडेट दीजिए। हाँ बिल्कुल मेगा, मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी को गोली लगने के बाद लाया गया था, उनके साथ उनके गनमैन नरेंद्र को भी यहाँ पर लाया गया था। नरेंद्र जो गनमैन है उसका इलाज जारी है, और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी, ये दुखद खबर है कि उनकी उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस, उसके बाहर जो समर्थक यहाँ पर जुटे हैं, और इस पूरे जो भीड़ है इसको काबू करने के लिए अंदर भी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात है, और दूसरी तरफ यहाँ अस्पताल के बाहर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है यहां पर तैनात है। पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद जो यहां पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे उनको बाहर भेजा गया है, जो अस्पताल परिसर उसके मेन गेट के बाहर, और अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे सच बेधड़क। सबसे पहले आपको दिखाएगा कि रोड पर जो लगातार जो समर्थक है उनका जमावड़ा बना हुआ है, नारेबाजी कर रहे हैं, और शायद ये जो रोड है जो मानसरोवर वाली मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर, इस रोड को जाम कर दिया गया है। पॉसिबल हो तो पहले अंदर की तस्वीर दिखाइए, अंदर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन मौजूद है और कौन कौन जिसे अभी बाहर रखा गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जी मेगा देखिए यहाँ पर पुतला भी फूंका जा रहा है। मेगा देखिए सबसे पहले जो सच बेधड़क है, इस अस्पताल के बाहर देखिए बड़ी संख्या में जो लोगों का हुजूम है, रोड जाम हो गया है, और यहाँ पर जो पुतला भी यहाँ पर फूंका जा रहा है, लगातार जो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बड़ी संख्या में जो यहाँ पर समाज के लोग हैं वो किस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो घटनाक्रम है उसकी गंभीरता का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, और किस तरह से ये विरोध पहुंचेगा आगे, क्योंकि अभी जो घटनाक्रम को महज 2 से 3 घंटे हुए हैं, बड़ी संख्या में जो लोग यहां पर पहुंचे हैं, रोड जाम कर दिए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोड के बीचों बीच यहां पर जो धरने पर बैठ गए हैं, जो गिरफ्तारी है उसकी मांग को लेकर, कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर, साथ ही साथ जो यहां पर मांग ये भी की जा रही है कि इसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी दोषी हैं, क्योंकि एक साल पहले जिस तरह की जो धमकियां दी गई थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि जब कोई गैंगस्टर किसी को धमकी देता है, समाज का जो नेतृत्व करता था ऐसा आदमी, और जब धमकी
धमकियां मिल रही थी, तो इसकी जो शिकायत है इसके लिए जो प्रार्थना पत्र जो है वो पुलिस को दिया गया था, कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया गया, इसी वजह से आज ऐसी घटना हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि ये एक जो अस्पताल के बाहर का मामला जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लगभग 200 से 300 मीटर लंबी दूरी में यहाँ पर समाज के जो लोग हैं वो बैठ चुके हैं। ये जो रोड है इसको भी पुलिस ने फिलहाल बंद कर दिया है और यहाँ पर पुतला भी लगातार फूंका जा रहा है। जी मेगा, जरा इनसे बातचीत।